Can I guys? Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. नगर निगम के द्वारा ये अभी जो हमारा जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इस संक्रमण से जो छिड़काव किया जा रहा है, जो नगर निगम के द्वारा जो एक हमारा अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम से एक दवा है, उस दवा के मिक्सिंग पानी में करके उसका छिड़काव कर रहे हैं. इसके लिए हमने हमारे 180 आदमी की टीम तो पूरे 60 वार्ड में है, जो कि जो छोटी मशीन है, जो एग्रीकल्चर में जो कमर के पिट्टू मशीन होती है, उस मशीन से छिड़क रहे हैं. इसके अलावा हमारे दो टेम्पो हैं, उन टेम्पो पे हमने मशीन लगा रखी है, उस टेम्पो के द्वारा भी इसमें कार्य किया जा रहा है. साथ ही हमने आज से स्पेशली हमारी जो फायर की जो बड़ी गाड़ी है, उस फायर की गाड़ी का करीब करीब उसका जो पानी का कंजम्पशन 4000 लीटर का है, तो उसमें हमारा जो इसके जो भी कॉम्बिनेशन अनुसार हम ये दवाई मिला करके और उसको शहर की मुख्य बड़ी जो सड़कें हैं, पूरी जो पूरे शहर के चारों तरफ से जो एंट्री आ रही है, और है या पंचशील है, वैशाली नगर है, इन सब तरफ हम अभी इसको आज का पूरा के दिन में छिड़काव कराने के लिए हमने नई व्यवस्था की है. रेलवे स्टेशन बस, बिल्कुल रेलवे स्टेशन कराया है, कलक टावर अपने बस स्टैंड कराया है, कचेड़ियाँ करवाई है. इसके साथ साथ में जितनी भी मेन रोड जहाँ पे भी एंट्रेंस हमारा अजमेर शहर में हो रहा है, उन सब जो बड़ी सड़कें हैं, जो भी 60 फीट से या 100 फीट की, जो 200 फीट की सड़कें हैं, उन सब बड़ी सड़कों पर, क्योंकि फायर की जो इस गाड़ी का, इसके फंवारे का कम से कम 70 से 80 फीट का रेंज है, इस कारण से इसमें पूरी ही सड़क और पूरी आसपास की एरिया को रहते हुए इसका छिड़काव बड़ी दुरुस्ती से हो सके, ताकि कम से कम संक्रमण जो है इसका कोई भी जीवाणु किसी तरह फैलने की नहीं, वो फैले नहीं, इसलिए प्रयास किया जा रहा है. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप. अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें.
ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।